मोदी ने साडे दिल्ली वड़न दे राह दे विच किल ठोके आ, असी अपने संघर्ष नाल जिहड़ा है वह मोदी दी मड़ियां किल ठोकने आ, मोदी दे तबूत च किल ठोकने आ, तां ही मोदी नूं जिहड़ा है वह लाया जा सकेगा। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। संयुक्त किसान मोर्चे दे सद्दे ते फिरोजपुर फाजिलका रोड ते स्थित खाई टी पॉइंट ते सरपंच यूनियन ब्लाक ममदोड़ दे प्रधान कामरेड सरपंच हंसा दी अगवाई हेठ कुल हिंद किसान सभा भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर एकता आड़तिया यूनियन ममदोड़ सांझा फोम आदि जथेबंदियां वल्लों भारत बंद दे 3 घंटे दे सद्दे दौरान खाई टी पॉइंट ते फिरोजपुर फाजिलका रोड नूं पूर्ण बंद रखा गया। तुसीं देख रहे हो पंजाबी चैनल भारत संदेश, मैं हाँ जगिंदर सिंह ढोला, मैं इस टाइम मौजूद हाँ ममदोट खाई टी पॉइंट ते जिथे कुल हिंद किसान सभा संयुक्त मोर्चे के सदे के 6 फरवरी की भारत बंद सदे समूह किसान जथेबंदियों वालों धरना दिता जा रहा है। मेरे नाल मौजूद ने कान हंसा सिंह जी किसान आगू, उन्होंने तो जानते हाँ भी जो अब धरना दिता जा रहा है वह मतलब अज संयुक्त मोर्चे के सदे से कि केंद्र की सरकार हठ धर्मी ये मंगा मनन तैयार नहीं, कानून वापस तैयार नहीं हो रही, इस करके समुचे देश के अंदर अज सारे हाईवे जोड़े ने जाम किए जा रहे हैं। उस सदे मुताबक ही अज असी इतने ऑल इंडिया किसान सभा वालों सिद्धूपुर वालों आड़ती एसोसीएशन वालों सरपंच यूनियन वालों समुचे लोगों के यूनियन वालों इतने इकट्ठे होकर अज जिहड़ा जाम किया हो और जाम जिहड़ा 12 से 3 बजे तक बड़ी शांतमई तरीके असी जिहड़ा वो कर रहे हैं ता जो केंद्र सरकार से दबाव बना के ये जिहड़े कानून ने तिन्ने वापस कराने दबाव बनाया जा सके। मेरे नाल मौजूद ने किसान आगू महिंदर सिंह जी, उन्होंने तो जानते जी धरने संबंधी इसे जिहड़ा ये संयुक्त मोर्चा अपना लगे है जी ते उन्दे वोच बैठे हैं 12 से 3 बजे तक, बाकी बड़ा शांतमई नाल असी जिहड़ा ये मोर्चा 3 घंटे जिहड़ा चलना है शांतमई नाल चलेगा। जिन्ना चिर साढ़े कानून रद्द नहीं होंगे उन्ना चिर इस तरह साढ़े जिहड़े चक्के जाम होंदे रहणगे। इस मौके हाजर जत्थेबंदियां ने जोरदार नारेबाजी करदियां केंद्र दी मोदी सरकार वल्लों लियांदे काले कानून तुरंत रद्द करन दी मांग कीती। इन्ना मतलब होर स्ट्रांग बनाउणा है, मोदी ने साडे दिल्ली वड़न दे राह दे विच किल ठोके आ, असी अपने संघर्ष नाल जिहड़ा है वह मोदी दी मड़ियां दे विच किल ठोकने आ, मोदी दे तबूत च किल ठोकने आ, तां ही मोदी नूं जिहड़ा है वह लाया जा सकेगा। भावें अजे तक साडा वह मेन टारगेट जिहड़ा हैगा है कि 3 कानून वापस कराने, एमएसटी दी कानूनी गरंटी लेना, भावें अजे वो तो असी थोड़ा दूर हाँ, थोड़ा ही दूर हाँ, सरकार जिहड़ी आ वो निमदी चली आ रही आ, वो हुण उहदियां जड़ां हिलियां होईयां ने। एमएसटी दी कानूनी गरंटी लागू करो, लागू करो, एमएसटी दी कानूनी गरंटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। सानू जो दिल्ली दे विच किसान जथेबंदियां बैठियां ने उन्हां वल्लों काल आई सी चक्का जाम दी, ते असी उस दे ओ काल दे आधार ते असी इत्थे चक्का जाम कीता है। मैं जोगा सिंह साबका चेयरमैन ब्लाक समिति ममदोट, पिछले 15 दिन दिल्ली भी ला के आए हैं धरने ते अज इत्थे खाई तकोनी ते धरना लाया केंद्र सरकार दे विरुद्ध एक काले कानून रद्द किए जान, साडी पुरजोर मंग है सेंटर गौरमेंट नूं छेती तों छेती काले कानून रद्द किए जान। अज असी सारिया जथेबंदियां साडियां तकरीबन 8-10 जथेबंदियां नाल साडे ने, साडे नाल आड़तिया एसोसीएशन नाल प्रधान जी नाल ने, पट्ठा यूनियन नाल ने, होर जिहड़ियां साडियां यूनियन सरपंच यूनियन साडे नाल ने, ते बाकी तकरीबन सारियां पार्टियां साडियां टी पॉइंट ते असीं खड़े हां। ये मसल जिहड़ा संयुक्त मोर्चा चल रहा है जिस तरह सानू उत्तों जथेबंदियां जां किसान उत्तों आउंदा है जो भी सानू मतलब भी संदेशा मिलता है
उदों असी जो भी सानू ड्यूटी जिवें अज चक्का जाम की ड्यूटी लगी है असी 12-3 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा। बाकी इस तरह जिवें भी सानू प्रोग्राम उत्तर जो संदेश आवेगा इस तरह चलते रहेगा जी। खाई टी पॉइंट ते लगे धरने नूं संबोधन करदिआं किसानां नूं आगाह कीता गया कि भारत की कुल आबादी विचों सिर्फ 1% ही पूरी जायदाद ते कब्जा करके बैठी है, जबकि भारत विच सब नूं समान अधिकार मिलने चाहिए हन। 85% नूं गुलामी दीआं जंजीरां तोड़न लई एकजुट होके किसानी संघर्ष नूं सफल बनाउण लई एकजुट होके लड़ना पवेगा। मोदी सरकार दे पिछे हिंदुस्तान दा ਉਹ ਲਾਣਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 1% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 1% ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 50-60 ਘਰਾਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ 50-60 ਘਰਾਣੇ ਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 73% ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਮਤਲਬ 100 ਚੋਂ 73 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ 40-50 ਘਰਾਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 140 ਕਰੋੜ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MS ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗਾ ਉਸ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 6 ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮੈਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਮਦੌੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ।